हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास। सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास विद वन क्वेश्चन ऑफ 2.6 एक्सरसाइज। ऑलराइट, तो एक फरमाइश आई थी 2.7 हम स्टार्ट कर चुके थे। एज यू नो वी हैव स्टार्टेड 2.7 एंड वी हैव डन 4 क्वेश्चन ऑफ 2.7 इन प्रीवियस क्लास। ऑलराइट, तो और प्रीवियस क्लास में हमने 2.7 के 4 क्वेश्चन करने के बाद फिर हमने कुछ रिविजन किया था 2.3 का, लेकिन एक फरमाइश भी आई थी कि 2.6 का सर क्वेश्चन नंबर 14 करवा दें, तो वो हम 2.6 क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम करते हैं अभी सॉल्व, और उसके बाद वापस 2.7 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 2.6 क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके पास क्या है। कह रहा है कि क्यूब रूट 64 ए क्यूब बी की पावर 9 डिवाइड बाई 216 सी की पावर 6 और डी की पावर 18। ऑलराइट, 2.6 का क्वेश्चन नंबर 14 है, कैसे सॉल्व होगा ज़रा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करना है। रिपीट किया, ए क्यूब बी 9 216 सी की पावर 6 एंड डी की पावर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद क्या करेंगे कि अब ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 1/3। ठीक है, स्क्वायर रूट की पावर 1/2 और फोर्थ रूट की पावर 1/4। तो इसी तरह से अब ये जो क्यूब रूट की पावर है, क्यूब रूट यहाँ पे रिजॉल्व करके पावर अप्लाई कर देंगे 64 ए क्यूब बी 9 216 सी की पावर 6 एंड डी रेज टू द पावर 18। तो क्या करा, क्यूब रूट यहाँ पे ख़त्म किया, क्यूब रूट की जगह क्यूब रूट की पावर लगा दी। अभी जो क्यूब रूट की पावर है 1/3 ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे अप्लाई हो जाएगी बारी बारी। ठीक है, देख लीजिएगा ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है 1/3 ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यूज़ पे बारी बारी अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई होगी, 64 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, ए के क्यूब पर भी पावर आ जाएगी 1/3। उसके बाद बेटे बी की पावर 9 है, इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/3 और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास देखिएगा क्या है, 216 इसके ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/3, सी की पावर 6 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/3 और डी की पावर 18 पे भी पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, आपने क्या करा, इस स्टेप तक देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर थी 1/3 ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स पे 64 ए क्यूब बी की पावर 9 216 सी की पावर 6 और डी की पावर 18 सब पे आपने पावर अप्लाई कर दी 1/3। नेक्स्ट स्टेप क्या है ज़रा देख लें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपने पावर अप्लाई की है इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें तो 64 के ऊपर पावर 1/3, मैंने आपको बताया था कि भाई 64 के पावर 1/3 है, तो अब अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर कोई भी होती है तो उस पावर, अगर पावर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखते हैं। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है, पावर के यहाँ पे 1/3 तो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 64 की सी भी वैल्यू का क्या होना चाहिए, क्यूब। यहाँ पे 216 के ऊपर पावर है 1/3, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पावर के फ्रैक्शन में 3 आ रहा है 1/3 तो 216 किसी भी वैल्यू का क्या होना चाहिए, क्यूब। और ये क्यूब्स जो हैं वो आपको और स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्योंकि इन प्रीवियस क्लास जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, एक होमवर्क आप लोगों को दिया था कि 2 से 20 तक के स्क्वायर्स एंड 2 से 10 तक के क्यूब्स आपने जो है वो क्या करना है, याद करना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आपको ये क्यूब्स याद होंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा 64 की जगह क्या करेंगे, 64 की जगह 64 किसका क्यूब होता है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। किसका क्यूब होता है भाई, 4 का, और होल पावर 1/3। 64 की जगह 4 का क्यूब होल पावर 1/3 एज इट इज। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो सिर्फ क्या बचा, ए बचा, ए को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो रही है 9 न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में, 3 वन ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया, 3 वन ज़ा 3 3 ज़ा 9 बी की पावर क्यूब। यहाँ पे ब्रैकेट ए पे लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि पावर तो आपने अप्लाई कर दी, ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो ए की पार्ट जो थी 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ ए बचा, लिख दिया। बी की पार्ट जो पार 9 थी, 3 1 3 3 9, तो बी की पार क्या आ गई, बी का क्यूब। ठीक है, तो बी के ऊपर पार आ गई बी का क्यूब, ये लिख देंगे एज इट इज। ठीक है बेटे, और नीचे देखिएगा डिनोमिनेटर में 216 की पावर 1/3, तो 216 किसी भी वैल्यू का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि 216 की पावर 1/3 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 216 किसी भी वैल्यू का क्या होना चाहिए बेटे, क्यूब होना चाहिए। तो 216 किसका क्यूब है, आप लोगों को बता होना चाहिए, 216 6 का क्यूब है। तो 216 की जगह आपने 6 का क्यूब और होल पावर 1/3 एज इट इज, तो 216 की जगह 6 का क्यूब लिख दिया, होल पावर 1/3 एज इट इज आ गई। C की पावर 6 है, होल पावर बेटा 1/3 है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 3 2 6, ये 18 है और ये 3 है, तो 3 1 3 6 18, तो अब देखें क्या बचा, 216 की जगह 6 का क्यूब आ गया, होल पावर 1/3 एज इट इज, यहाँ पे पार कैंसिल होने के बाद सी के ऊपर पार क्या आ गई, 2, सी का स्क्वायर, सी के ऊपर पार आ गई 2 मीन सी का स्क्वायर, और 3 1 3 6 18, तो डी के ऊपर पार क्या आ गई, 6। ठीक है, डी के ऊपर पार क्या आ गई, 6। अब यहाँ तक इस स्टेप तक आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पार्ट्स कैंसिल करने के बाद ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब और मजीद पार्ट सॉल्व हो रही तो उनको कर देंगे, ज़रा देख लीजिएगा यहाँ पे कि भाई ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार 3 से 3 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा देख लें, ऊपर बचा 4 उसके साथ ए और बी का क्यूब, नीचे बचा 6 सी का स्क्वायर और डी की पार 6। ठीक है बेटा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, किसका आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 आपने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। तो अब यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो आप लोग देख सकते हैं अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। वापस स्टार्ट किया, स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट हम जो है वो अब उसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लें, 2.7 स्टार्ट करते हैं, हैंड डाल दिएगा एक्सरसाइज 2.7, आप लोगों ने डाली भी होगी, सॉल्व कर लेते हैं। 2.7 पे आते हैं, एक्सरसाइज 2.7। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.7 पे वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 2.7, और 2.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटे, और 2.7 में आप जो है वो क्वेश्चंस मार्क कर लें, अगर नहीं मार्क करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 एंड 12, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से पेपर में एक सवाल लाजमी आना ही आना है 5 नंबर का। ठीक है, 5 मार्क्स का एक सवाल इसमें लाजमी आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ये 4 जो क्वेश्चन हैं इन सब का आंसर 1 है। ठीक है, एक ही तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के पास बुक है सामने, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 इन सब का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से या तो कोई एक सवाल आएगा, या तो 5 और 10 और 12 में से कोई एक सवाल जो है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास जो भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और 12, ये 7 में से एक सवाल लाजमी आना ही आना है। ठीक है, जो आपने लाजमी इनकी तो प्रैक्टिस करनी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 27 की पार 2n/3 मल्टीप्लाई 8 की पार -n/3 डिवाइड बाय 18 की पार -n/2। ठीक है, ये क्वेश्चन एक दफ़ा मैं चेक भी कर लेता हूँ कि 27 रेज़ टू द पावर 2n/3। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, 27 रेज़ टू द पावर 2n/3, 8 की पार जो है वो -n/3 और 18 की पार -n/2। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आ गया। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने लिख तो लिया, क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 10 12 एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और 6 से लेकर 9 तक एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपके सामने बुक है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे बेटे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा ज़रा देखिएगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई भी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया 2.6 का, इसमें भी हमने वो चीज़ डिस्कस की, यहाँ पे दोबारा वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर कोई पार है तो पार अगर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखते हैं, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू देखते हैं क्या है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। तो डिनोमिनेटर वाली जो पार होती है वो पार चेक करते हैं कि अंदर वाला जो नंबर है, जैसे ये 27 है और इसके फ्रैक्शन में पार क्या है, फ्रैक्शन में जो पार फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन में जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब 27 किसी का क्या होना चाहिए, क्यूब। अगर है तो अच्छी बात है, सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, नहीं है तो मसला हो जाएगा। और 27 क्यूब है आपको पता है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे फ्रैक्शन में जो पार है और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो क्या है, 3। इसका मतलब 8 किसी का क्यूब होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मसला होगा, सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 8 क्यूब होता है आपको पता है और सॉल्व हो जाएगा। 18 के ऊपर पावर है -n/2, यहाँ पे 2 आ रहा है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब 18 किसी का स्क्वायर होना चाहिए, 18 किसी का स्क्वायर है। अगर आप लोगों को स्क्वायर याद हो तो आप लोगों को पता होगा 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर होता तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान हो जाता, लेकिन अब 18 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, सही है। अब ज़रा देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप देखिएगा। अब 27 मुझे देखा मैंने यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 3 है तो 27 मुझे पता होना चाहिए किसका क्यूब है, 3 का, और होल पावर क्या है, 2n/3 एज इट इज, ठीक है। 8 जो है वो देखा कि मैंने n/3 है, -n/3, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, 8 की जगह 2 का क्यूब लिख दिया और होल पावर -n/3 एज इट इज। आप लोग एक चीज़ नोट करें प्रेजेंटेशन के, बेस किस तरह से लिखी हो, पार किस तरह से, बेस किस तरह से, पार किस तरह से ऊपर, आप लोग जो है पार ये नहीं कि साइड में लिख दें, ख्याल रखना बेस के ऊपर होती है पार। 18 के ऊपर पावर है -n/2, तो बेटा 18 किसी का स्क्वायर तो नहीं है ना, 18 के पावर है -n/2, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 18 का ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। 18 का अगर हम एलसीएम लें तो 18 का एलसीएम क्या आएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 18 के फैक्टर्स आ गए, 18 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3, ये 18 के क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो 18 के फैक्टर्स में 2 × 3 × 3 है, तो 2 को एक दफ़ा लिखे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 2 को एक दफ़ा लिखा और 3 × 3 क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड करके लिख दी, तो 18 का एलसीएम लेके फैक्टर्स बनाए और इन दोनों की बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स ऐड कर दी 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 का स्क्वायर 18 के फैक्टर्स आ गए। तो 18 की जगह पे हम ये लिख लेंगे, क्या लिखेंगे जो एलसीएम लेके आपके पास फैक्टर्स आए, 2 × 3 का स्क्वायर और होल पावर क्या है, -n/2, होल पावर क्या है बेटे, -n/2, 18 की जगह पे वो फैक्टर्स लिख दिए। यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। If you have any confusion or query, go to the comment box and chat box and write over here. Alright? So then I will resolve your query or concern. तो आगे चलते हैं, और अगर आप लोगों को कोई confusion नहीं है तो फिर सवाल end होने का wait करें, फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा। और कोशिश कर रखेंगे lecture पे full focus जो है वो question, full concentration जो है वो board पे, वो question की तरफ हो। हाँ, topic class end हो रही हो तब आप जो है वो अपने question queries पूछ लें, या क्वेश्चन एंड हो जाए तो आप बता दें कि सर ये टॉपिक या ये स्टेप जो है वो बता दें, ठीक है बेटे। तो अब यहाँ पे अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, ये न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, ठीक है। और कैंसिलेशन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पार्ट्स कैंसिल हो गई, रिमेनिंग वैल्यूज जो बची वो ज़रा देख लें नेक्स्ट स्टेप में कि 3 के ऊपर पार्ट क्या बच गई बेटा,
3 के ऊपर पावर बच गई 2n, 3 से 3 कैंसिल, 3 के ऊपर पावर क्या बच गई, सिर्फ 2n। यहाँ पे 2 के ऊपर पावर क्या बच गई, सिर्फ माइनस एन। 2 के ऊपर पावर क्या बच गई, माइनस एन, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट में 18 की जगह क्या आ गया था, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और होल पावर क्या थी, माइनस एन अपॉन 2। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे, अभी तो ये ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं, ब्रैकेट के बाहर पार है, तो ब्रैकेट के बाहर वाली पार और ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज पे बारी बारी हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस एन अपॉइंट टू जो है वो पार टू पे भी अप्लाई होगी, और माइनस एन अपॉइंट टू पार थ्री के स्क्वायर पे भी अप्लाई होगी। ठीक है, आपने क्या करा, ये माइनस एन अपॉइंट टू पार टू पे भी अप्लाई की, और ये माइनस एन अपॉइंट टू पार थ्री के स्क्वायर पे भी अप्लाई की। जैसे ही थ्री के स्क्वायर पे अप्लाई की, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यूज पहले न्यूमरेटर में लिख दी, और डिनोमिनेटर में पावर अप्लाई की, माइनस एन अपॉइंट टू टू पे, तो टू की पावर माइनस एन अपॉइंट टू, और माइनस एन अपॉइंट टू थ्री के स्क्वायर पे, तो माइनस एन अपॉइंट टू जब थ्री के स्क्वायर पे अप्लाई की, तो थ्री के स्क्वायर पे माइनस एन अपॉइंट टू पावर आ गई, टू से टू कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बचा ज़रा देख लें, न्यूमरेटर में जो बचा हुआ है जेड इज लिखेंगे, थ्री की पावर टू एन। ठीक है, न्यूमरेटर में जो बचा हुआ है जेड इज लिखेंगे, थ्री की पावर टू एन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर माइनस एन। और डिनोमिनेटर में 2 की पावर माइनस एन अपॉइंट टू इंटू 3 के ऊपर पावर क्या बच गई, माइनस एन, 3 के ऊपर पावर क्या बच गई, माइनस एन। ठीक है बेटे, तो रिमेनिंग जो वैल्यूज बच गई उस स्टेप पे मैंने यहां पे फाइनल जो वैल्यूज बच गई यहां तक हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, अब लोग देख सकते हैं 3 की पावर 2n एज इट इज आ गई, 2 की पावर माइनस एन एज इट इज आ गई, यहाँ पे 2 की पावर माइनस एन अपॉइंट टू एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन के बाद 3 की पावर माइनस एन एज इट इज आ गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी, क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल जो है वो करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा तो रुक जाएँ, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो यहाँ तक तो सिंपल कैलकुलेशन थी, अब आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देनी है ताकि आपको ये दो स्टेप जो है वो समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों को फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपने देखा ये कि इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, 3 की पावर 2 एन को 3 की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई वैसे सेम नहीं है, पावर जो है वो भी सेम नहीं है। 2 की पावर माइनस एन अपॉइंट टू, 3 की पावर माइनस एन अपॉइंट टू, ये भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, तो बेसिस को सेम करना है ताकि पार्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करा सकें। तो बेसिस को सेम करने के लिए देखें, इस पूरे फ्रैक्शन में 3 दो दफ़ा आ रहा है, 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो हमें बेसिस को एक साथ लेके आना आता है कि मतलब अगर एक वाली को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि पार्ट्स जो हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएं। और हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि एक वैल्यू अगर नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। एक वैल्यू ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके डिवाइड होगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अब ज़रा देखें, यही जो है वो रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n एज इट इज़ लिखा रह दिए। अब क्या करा कि 2 की पावर माइनस एन है, इसको नीचे ले जाएंगे और 3 की पावर माइनस एन को ऊपर ले आएंगे। 3 की पावर माइनस एन जो है इसको क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट करा देंगे। तो अब यहाँ पे ये करा हमने, 3 की पावर माइनस एन को ऊपर लेके गए, तो 3 की पावर क्या हो गई, माइनस एन ऊपर आके प्लस एन। फिर 2 की पावर माइनस एन को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो 2 की पावर माइनस एन ऊपर न्यूमिनेटर में, ठीक है, जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। 2 की पावर माइनस एन नीचे आके 2 की पावर प्लस एन, और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर माइनस एन अपॉन 2। ठीक है बेटे, अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या किया, सिर्फ बेसिस को सेम किया। हम ये भी कर सकते थे, तमाम ये दोनों वैल्यूज को ऊपर ले जाते थे,
लेकिन हमने क्या करा कि भाई एक तरफ न्यूमरेटर में एक सेम वैल्यूज़ हों और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हों, तो इस वजह से जो है वो हम वैल्यूज़ को हमने चेंज किया, 3 की पावर -n ऊपर जाके 3 की पावर +n हो गई बेटे, और 2 की पावर -n को नीचे लेके आ गए 2 की पावर +n। ठीक है, पहले से नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई थी 2 की पावर -n/2, इसको नीचे लिखा रहने दिया 2 की पावर -n/2, बस 2 की पावर -n को नीचे लेके आ गए 2 की पावर +n। ठीक है, और 3 की पावर -n को ऊपर लेके चले गए 3 की पावर +n हो गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो है वो आप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। ये हमने काम क्यों किया बेटा? ये इस वजह से किया ताकि जो है वो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो बेसिस सेम हो जाएंगी, पार्ट्स आपको पता है ऐड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बेसिस सेम ना, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2n बेसिस सेम, देन पार्ट्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ठीक है, पार्ट्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस को एक दफ़ा लिखा 2n+n, डिनोमिनेटर में भी बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स क्या हो जाएंगी? सब्रैक्ट हो रही हैं, सब्रैक्ट करा देंगे, वैसे ऐड होती हैं लेकिन माइनस का साइन है, सब्रैक्ट हो रही हैं, सब्रैक्ट करा दें। ठीक है बेटा, तो बेस को एक दफ़ा लिखा 2n+n, पार्ट्स को ऐड करा दिया, बेस को एक दफ़ा लिखा, पार्ट सब्रैक्ट हो रही है, n-n/2 सब्रैक्ट करा दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप, तो 3 की पावर 2n+n क्या आ जाएगी बेटा? 3n, 2n+n कितने n हो जाएंगे? 3n। अब 2 की पावर n-n/2, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 की पावर n-n/2 जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा लिखेंगे और फिर वो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम पहले पार्ट सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अभी आंसर हमारे पास नहीं आया क्योंकि हमें क्या सॉल्व करना है, अभी हमने सॉल्व करना है n-n/2। तो n-n/2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये रफ में यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, n-n/2 ये पार्ट जो है वो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ और आंसर आ जाएगा फाइनल, लेकिन आप लोगों को सीखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो एलसीएम ले लें कि इसके नीचे कुछ नहीं है, इस n के नीचे तो क्या है, 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लें तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बताया था एलसीएम लेने वाला तरीका, कि भाई 2 को लेके जाएंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा n से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना बताया था, यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, ये 1 और 2 दोनों जो हैं आपने देखा डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में दोनों को लिख दिया, 1 और 2 का एलसीएम आ गया 2। ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि n के नीचे कुछ नहीं है तो बेटे क्या है, 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 को लेके जाएंगे, पहले 1 से डिवाइड कराएं, तो बेटे जब 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा ना, 2 को लेके गए, 1 से डिवाइड कराए, 2 आया, 2 को n से मल्टीप्लाई करा दें 2n। तो क्या तरीका बताया था कि इस 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं, फिर इस जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है सेकंड फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन से सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व किया कि 2 को लेके गए, पहले 1 से डिवाइड कराया, तो 2 को 1 से डिवाइड कराने पे 2 आता है, 2 को 1 से डिवाइड कराया 2 आया, 2 को n से मल्टीप्लाई कराया 2n, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़, फिर 2 को लेके जाएंगे, इस 2 से डिवाइड कराएंगे, अब 2 को लेके जाएंगे, इस 2 से डिवाइड कराएंगे, तो बेटा 2 को जब 2 से डिवाइड कराते हैं तो आंसर क्या होता है, कैंसिल होके 1, तो जब 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, इस 1 को अब इस n से मल्टीप्लाई कराना है, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को n से मल्टीप्लाई कराएं, 2 को 2 से डिवाइड कराने पर 1 n's a n। नेक्स्ट स्टेप, 2n-n बेटे, 2n-n इधर देखें, 2n+n 3n, तो 2n-n क्या हो जाएगा, सिर्फ n और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2n-n और नीचे क्या है 2। तो ये बेसिकली एक रफ वर्क में इस क्वेश्चन के सामने आपने रफ वर्क में कॉपी करना होगा, ये समझ के लिखना होगा ताकि आपको पता हो कि आपकी पावर क्या आई है। ठीक है, तो आपने n-n/2 ये सॉल्व किया और पावर क्या आ गई,
एन अपॉन टू, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर फाइव वैसे तो बहुत सिंपल था, लेकिन जो है वो एक जगह आके ये एलसीएम कैसे लिया, ये एक थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी एक पॉइंट आएगा, आपको ये समझना है एलसीएम कैसे लिया। ये रफ वर्क में एलसीएम लिया हुआ है, आपको ये आना चाहिए, नहीं तो आपको जब लेक्चर मिलेंगे तब भी आपको इसको रिकॉल करके, जब ये वीडियो आप देखेंगे तब भी आप इसको रिकॉल करके भी जो है वो समझ सकते हैं कि एलसीएम कैसे लिया। दूसरा ये कि ये बेसिस कैसे चेंज की, ये 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर -n, तो 3 को यहाँ पे ऊपर ले गए और 2 की पावर -n को नीचे ले आए, तो 2 की पावर +n, सॉल्व किया ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और कन्फ्यूजन स्टिल, तो कम टू द चैट बॉक्स एंड राइट हेयर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और कंसर्न। ऑलराइट, तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।